हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। आई एम योर मैथ्स टीचर सौम्या सिंह। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 और इसके आगे के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया था, फर्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली थी, एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं, तो हम उन पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 एंड फर्स्ट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 2.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 2। x की अलग अलग वैल्यूज रख के इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है px वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पहले हम x की वैल्यू 0 पुट यहाँ पर करते हैं, तो ये हो गया p0 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, मीन्स 0 माइनस 0 प्लस 3। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू माइनस 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर पुट किया तो ये हो जाएगा p x के प्लेस पर माइनस 1 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, ये माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया, इधर माइनस 4 प्लस 3 मीन्स माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6। ठीक है, अगर वैल्यू माइनस 1 पुट किया तो माइनस 6। इसी तरीके से 2 पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हमने पुट किया तो ये हो जाएगा p2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 10 माइनस 2 टू 4 4 जा 16 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस में 3। तो हमने देखा कि हमारी अलग x की अलग अलग वैल्यूज पुट करने पर यहाँ पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है। एक जगह पर 3 आ रही है जब 0 पुट किया, माइनस 1 पुट किया तो माइनस 6 और 2 पुट किया तो माइनस 3 आ रही है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें बहुत सारे पार्ट है, मैंने एक पार्ट लिया लास्ट वाला, px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 1। सबसे पहले हम क्या, हमें p0 फाइंड करना है, मतलब x के प्लेस पर 0 फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 0 पुट किया, 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 1 इंटू प्लस 1 मीन्स माइनस 1। ये p0 की वैल्यू माइनस 1 आ गई। इसी तरीके से जब p1 फाइंड करते हैं तो p1 क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर 1 पुट किया तो ये 1 माइनस 1, ये 1 प्लस 1 मीन्स 0 इंटू 2, तो p1 0 आ गया आपका। p2 पुट किया तो x के प्लेस पर 2 पुट कर दिया, 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, तो ये हो गया 1 इंटू 3 आ गया। हमने देखा कि यहाँ पर p0 p1 p2 क्या किया, x के प्लेस पर बस वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ p0 तो यहाँ पे x0, x जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ 0, वहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ऐसे पुट करके हमने ये फाइंड कर लिया। बाकी के सारे पार्ट बहुत इजी हैं, जो आप खुद बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब इन क्वेश्चन के आगे जो x की वैल्यू लिखी हुई है तो हमें बताना क्या ये इनके जीरोज हैं। अभी आप सोच रहे होंगे जीरोज क्या होता है, मतलब कुछ तो होगा जीरोज। तो जीरोज क्या है पॉलिनोमियल का, क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू, क्योंकि हमारा यहाँ पर वेरिएबल x है, तो हम x की कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करें तो जो इसका रिजल्ट है वो जीरो आ जाए, मतलब हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। वही जो x की वैल्यू होगी जिसको पुट करने पर हमारा पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी, वही उसके जीरोज होंगे। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन में x की वैल्यू माइनस 1 एंड 2 दी हुई है, तो चेक करते हैं कि ये जो माइनस 1 और 2 है क्या ये जीरोज हैं या नहीं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले माइनस 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा p माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2, ये आपका पूरा पूरा जीरो हो गया। ये जीरो हो गया, 0 इंटू माइनस 3 जीरो आ गया, पहला तो आ गया। इसका मतलब क्या है कि माइनस 1 जो है वो जीरोज है पॉलिनोमियल px का। ठीक है, अब सेकेंड है 2 पुट किया यहाँ पर तो ये हो गया 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2, ये भी देखिए आपका जीरो आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है कि x px इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। अगर x की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 कॉमा 2 है तो ये जो माइनस 1 कॉमा 2 है ये क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2।
अब इसी तरह हम ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। ये फोर था, ये सेवन्थ था, बाकी के पार्ट आपको करने हैं। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। अगर हमारा आंसर जीरो आता है तो वो क्या बोलेंगे, यस कि जो एक्स की वैल्यू वो क्या है, वो जीरोज है। और अगर हमारा आंसर जीरो नहीं आता तो हमारा आंसर नो हो जाएगा, जीरोज नहीं है। चलिए, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ थ्री एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन, मीन्स थ्री इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो ये भी थ्री हो जाएगा माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो क्लियर हो गया कि माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री क्या है, जीरोज है पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन का। अब टू बाई थ्री पुट करके देख लेते हैं, जब x के प्लेस पर 2 बाई अंडर रूट ऑफ 3 हमने पुट किया तो ये हो गया 3 इंटू टू अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो गया, 3 इंटू फोर अपॉन 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या देखा कि अगर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 पुट करते हैं तो 0 आ रहा है, बट अगर 2 अपॉन अंडर रूट 3 पुट करते हैं तो 0 नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज 0, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, बट टू अपॉन अंडर रूट थ्री इज नॉट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्यों? क्योंकि टू बाई अंडर रूट ऑफ थ्री पुट करने पर वैल्यू जीरो नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने वेरीफाई किया था कि ये इसके जीरोज हैं या नहीं, बट अभी इसमें हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करने हैं। मतलब एक कोई ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिनको पुट करने पर ये पॉलिनोमियल्स क्या हो, जीरो के इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर सिक्स और सेवन्थ लिया सॉल्व करने के लिए, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वेयर ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल है ए एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, ए एक्स को जीरो के इक्वल ले लिया। सबसे पहले हमने जीरो के इक्वल, क्योंकि हमें यही तो प्रूफ करना है। ठीक है, हमने जब जीरो के इक्वल लिया, हमें पता है ए जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन एक्स की वैल्यू, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने फाइंड कर लिया, जीरो अपॉन ए आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो अपॉन ए आ गई। अब हम तो हम आंसर बोलेंगे क्या कि ये जो है एक्स इज इक्वल टू जीरो अपॉन ए इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, हमने बता दिया। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि कैसे, तो कैसे करेंगे, ये जो हमारा ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर हम x की वैल्यू जो यहाँ से आई पुट करते हैं, देखते हैं। हमने पुट कर दिया 0 अपॉन a, मतलब a इंटू जीरो अपॉन a, a से a कैंसिल हो गया, आ गया 0। ठीक है, ऐसे ही हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो x है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वेयर सी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड सी एंड डी आर रियल नंबर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, सी एक्स प्लस डी को सबसे पहले जीरो के इक्वल ले लेते हैं। यहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी हो गया, डी को इधर ट्रांसफर कर दिया, क्या हो गया, माइनस डी हो गया, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में। एक्स की वैल्यू चाहिए, इधर सी मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड में। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी आ रही है। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो ये हो गया p माइनस डी अपॉन सी, यहाँ पर हो गया c इंटू माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, सी से c कैंसिल हो गया, माइनस डी प्लस डी जीरो आ गया। हमने देखा कि हमारा जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज 2.2 आपके जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गए हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आई होप आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी एक्सरसाइज 2.2 है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है ये हम देखते हैं। हमारी रिमाइंडर थ्योरम है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। मतलब एक पी एक्स पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है या तो वन से ज़्यादा है या वन के इक्वल है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए जो है वो एक कोई रियल नंबर है, इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए।
अगर हम अपने पॉलिनोमियल पी एक्स को किसी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, आपने लीनियर क्वाड्रेटिक ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है ना, जहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है, वो लीनियर हुआ। तो अगर हमारे पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा पी ए होना चाहिए। चलिए देखते हैं, अब हम एग्जाम्पल करते तो हमें समझ में आएगा कि आखिर हमारी थ्योरम हमें बता क्या रही है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है। वैसे तो समझ गए होंगे कि अगर पी एक्स को किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो रिमाइंडर पी ए होगा, सिंपली अगर समझाना चाहें तो, लेकिन कैसे ये वर्क करती है ये हम देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। हमें यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी, हमें क्या पता है कि अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा हमेशा पी ए आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारी पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा x माइनस 1 है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है। चलिए देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है। सबसे पहले ये जो x माइनस 1 है इसको हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल लेते हैं, ठीक है, 0 के इक्वल लिया तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें क्योंकि रिमाइंडर फाइंड करना, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, पी ए होना चाहिए अगर हम उसको x माइनस ए से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा पी 1 होना चाहिए, ठीक है, होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, x की वैल्यू 1 पुट करी, जैसे ही 1 पुट किया यहाँ पर आ गया 1 टू पावर 4 1 क्यूब 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 2 माइनस 2 प्लस 2 ये से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया पी 1। ये हमारा रिमाइंडर है, ये इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि x माइनस ए है मतलब हमारा रिमाइंडर a बचना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर 1 है तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 आना चाहिए, रिमाइंडर तो ये है ना, ये वैल्यू आई है। देखिए हमारी दो थ्योरम है, एक रिमाइंडर थ्योरम है और एक हमारी फैक्टर थ्योरम है। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या डिफरेंस है ये हम आपको बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में शायद फैक्टर थ्योरम है तो वो हम आपको बताएंगे, तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ लिया, आपने देखा कि रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू अगर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब चूंकि रिमाइंडर थ्योरम की बात हो रही है तो रिमाइंडर आना तो है ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल क्यू टी इज इक्वल टू 40 क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t माइनस 1। अब अगर 2t प्लस 1 हमारे पॉलिनोमियल क्यू टी का मल्टीपल है तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, जब मल्टीपल ये तो पूरा कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं, बहुत सिंपल, सेम क्या करना है, इसको हमने लिया जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है 2t प्लस 1, इसको हमने 0 के इक्वल किया, 0 के इक्वल किया तो क्या हो गया, 2t इज इक्वल्स टू माइनस 1, 1 इधर चला जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 इधर चला जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2। अब t की ये वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं, इसमें हमारे पॉलिनोमियल में, तो ये हो जाएगा q माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 होल क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो क्या आ गया, 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 होल क्यूब है तो माइनस 1 अपॉन 8 आ गया, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 बाई 4 आ गया और ये माइनस माइनस 1 अपॉन 2 आ गया और ये माइनस में 1 आ गया। 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका आ गया माइनस में 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 आ गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि
जो क्यू टी है 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 वो 2t प्लस 1 का मल्टीपल है। ठीक है, ऐसी ही कुछ है आपकी फैक्टर थ्योरम। तो चलिए हम पहले रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई। इसमें भी बहुत सारे पार्ट है तो मैंने लिया सेकेंड वाला एक्स माइनस 1 बाई 2 एंड फोर्थ वाला है एक्स प्लस पाई। सबसे पहले हम x माइनस 1 बाई 2 से इसको डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड करते हैं किसके थ्रू, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, x माइनस 1 बाई 2, x माइनस 1 बाई 2 को हम 0 के इक्वल लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1 बाई 2, यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, ये हमारा पी एक्स है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर हमने पुट किया 1 बाई 2, तो ये कितना आ गया 1 बाई 2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन 8 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 3 बाई 2 प्लस 1। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 8 एलसीएम हो गया 1 प्लस 4 टू जैर 2 3 जैर 6 इधर हो गया और प्लस ये 2 4 जैर 4 3 जैर 12 सॉरी प्लस 1 भी है ना, तो 8 हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया 27 अपॉन 8, तो रिमाइंडर कितना आ गया 27 अपॉन 8। अब नेक्स्ट वाला करते हैं x प्लस पाई वैल्यू पुट करते हैं। अब हम x प्लस पाई से इसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं। सबसे पहले x प्लस पाई इज इक्वल्स टू 0 मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस पाई, x की वैल्यू माइनस पाई पुट कर देते हैं, रिमाइंडर हमें चाहिए, तो यहाँ पर हो गया p, ये माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, तो ये हो गया माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो इसमें हमारा रिमाइंडर पूरा पूरा यही आ गया, माइनस पाई क्यू प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। बाकी के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। हमें पता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो पी ए आएगा। ठीक है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल हमारा एक्स माइनस ए है तो पी एक्स हमारा है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइडेड, इसको डिवाइड किया गया एक्स माइनस ए से, तो हम क्या करते हैं एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 लेट करते हैं तो x की वैल्यू a आ गई। यहाँ पर हम पुट करते हैं क्योंकि हमारा रिमाइंडर ये होना चाहिए, जो ये वैल्यू हो वो यहाँ पर होनी चाहिए, तो रिमाइंडर हमारा होगा a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a, तो ये हो गया a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a, ये से ये कैंसिल हो गया 6a माइनस a 5a, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 5a। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x। हमें ये बताना है कि क्या 7 प्लस 3x वो 3x स्क्वायर प्लस 7x का फैक्टर है। अब ये कैसे पता चलेगा, अगर हम 7 प्लस 3x से 3x स्क्वायर प्लस 7x को डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तभी पता चलेगा कि इसका फैक्टर है। चलिए करते हैं, 7 प्लस 3x इज इक्वल्स टू हम 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू चाहिए तो 3x इज इक्वल्स टू माइनस में 7, इधर प्लस में तो इधर आया माइनस हो गया, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन 3। अब ये x इज इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन 3 यहाँ पर हम पुट कर देते हैं हमारे पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 7x में। जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया 3 इंटू माइनस 7 अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 3, तो ये हो गया 3 इंटू माइनस 7, 7 जा 49 सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया 49 अपॉन 9 और ये इधर हो गया माइनस में 49 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 49 अपॉन 3 माइनस 49 अपॉन 3 दोनों कैंसिल हो गया, आ गया 0, 0 आ गया, यही तो हमें चाहिए था। इसका मतलब क्या है, ये 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे और फैक्टर थ्योरम क्या है वो भी सीखेंगे, तभी वहां पर हमें पता चलेगा कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस पार्ट में बस हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी आगे की जो भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको पसंद से भी ज़्यादा आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू।